हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेली स्पार्कली में। आज हम जानेंगे हाउ टू सेंड टेली डाटा थ्रू मेल। टेली का डाटा हम मेल कैसे करें और टेली का डाटा कहाँ पर रहता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, टेली ओपन करना रहेगा। जैसे ये ऑलरेडी मेरा टेली ओपन है। देन आपको दोस्तों जिस भी कंपनी का टेली का डाटा, जो भी कंपनी है, जिस भी कंपनी का डाटा आपको किसी को सेंड करना है, मेल करना है या व्हाट्सएप करना है, तो उसको आपको क्या करना रहेगा, आपको सबसे पहले उस कंपनी का एक कोड होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको सेलेक्ट कंपनी करना है। जैसे आप सेलेक्ट कंपनी पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है पार्थ का। पार्थ में जो होता है कि आपकी जितनी भी कंपनी टेली में क्रिएट है वे कहाँ पे जाके रखी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है सी ड्राइव में यूज़र फोल्डर है, यूज़र फोल्डर के अंदर एक पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर के अंदर टेली ईआरपी 9 फोल्डर है, देन टेली ईआरपी 9 के फोल्डर के अंदर एक डेटा फोल्डर है, इसके अंदर ये हमारी सारी कंपनीज रखी हुई है। देखिए यहाँ पे मेरा माउस जा रहा है, देखिए यहाँ पे कंपनीज का एक कोडिंग वर्ड आ रहा है 10033, 10023, 10170, 10002, 10003, 10019। तो ये मेरी कंपनी का एक कोडिंग वर्ड होता है जो डेटा फोल्डर में जाके यही कोडिंग वर्ड से वहाँ पे सेव होता है। तो देखिए मान लीजिए जैसे कि मेरी एक टेली स्पार्कली कंपनी है, जैसे मेरी इसका कंपनी का नंबर है 10000 ओनली। तो मान लीजिए मुझे इस कंपनी को किसी को सेंड करना हो तो आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, आप इसको मिनिमाइज़ कीजिए, देन आपका माय कंप्यूटर ओपन कीजिए। माय कंप्यूटर में आपको सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद देखिए आपको यूज़र में जाना है, वो पार्थ में लिखा हुआ रहता है सब। यूज़र में जाने के बाद मुझे पब्लिक में जाना है, पब्लिक में जाने के बाद मुझे टेली ईआरपी 9 में जाना है, टेली ईआरपी 9 में जाने के बाद मुझे डेटा में जाना है। डेटा में जैसे ही मैं जाऊँगा देखिए यहाँ पे एक 10000 के ये सब फोल्डर बन गए, 10000, 10001, 10002, 10003, 10005, 10017। तो मुझे अभी टेली स्पार्कली जो था मेरी कंपनी उसका कोडिंग वर्ड है 10000। तो मुझे उसे करना है, मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ कंट्रोल सी से। देन अगर मुझे डायरेक्ट सेंड करना हो तो क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना रहेगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको सेंड टू में जाना है। सेंड टू में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कंप्रेस जिप फाइल फोल्डर। जैसे ही आप इस पर एंटर करते हैं तो देखिए ये मेरी जो फोल्डर है वो मेरा जिप फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। ये मेरा डाटा यहीं पर रहेगा, ये अभी वाला डाटा कहीं नहीं जाएगा। बस ये एक और जो उसका कॉपी हो जाता है वह मेरा जिप फाइल में कन्वर्ट हो गया है। अब मुझे इसको मेल करना है। तो सबसे पहले आपको मेल आईडी आपकी ओपन करना है। मेरी मेल आईडी ऑलरेडी ओपन है। देन आपको कंपोज पे एंटर करना है। यहाँ पे आपकी मेल आईडी डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं अपने डाल देता हूँ। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस पे अटैच फाइल पे एंटर करना है। जैसे आप अटैच फाइल पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी। तो मेरा जो फोल्डर था वो कहाँ पे था, सी यूज़र में। सी यूज़र में जाने के बाद सी ड्राइव में जाने के बाद यूज़र, यूज़र में जाने के बाद पब्लिक में, पब्लिक में जाने के बाद टेली ईआरपी 9 में, टेली ईआरपी 9 में जाने के बाद डेटा फोल्डर में। डेटा फोल्डर में जैसे क्या देखिए यहाँ पे मेरा 10000 नाम की एक जिप फाइल बनी हुई है। देन मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन पे ओपन पे एंटर कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे मेरी जिप फाइल हो चुकी है। देन मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका था टेली डाटा को मेल करने का।